नमस्कार, बीसी न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज, 24 घंटे में 3,32,700 नए मामले आए सामने। 2,000 से अधिक मरीजों ने गवाई कोरोना के चलते जान। कोरोना के इलाज के लिए नई दवा को मिली मंजूरी, 7 दिनों में कोरोना खत्म करेगी विराफिन, ट्रायल्स में दिखे शानदार नतीजे। शुक्रवार को शहर में दाखिल हुए ऑक्सीजन की 60 टैंक, ऑक्सीजन एक्सप्रेस के शहर पहुंचने से जनता ने ली राहत की सांस। 3 टैंक नागपुर के लिए तो 4 टैंक नासिक के लिए कराए जाएंगे उपलब्ध। हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को दिए आदेश, एसपीआरएफ की मदद से जमा करो सिलेंडर, 4,300 सिलेंडर हो सकते हैं जमा। काल में 21 बारों पर कार्रवाई, फिर भी सुधार नहीं, नोटिस के बाद भी जारी धंधा, उत्पादक शेल विभाग द्वारा की जा रही कार्रवाई। कोरोना से कई घरों में छाया मातम, मृतकों में युवाओं की संख्या बढ़ी, 82 लोगों ने गवाई कोरोना के चलते जान। शुक्रवार को 7,485 नए मिले संक्रमित। पैथोलॉजी पर ठोका जुर्माना, सामान्य कचरे में मिलाकर फेंका जा रहा था जैविक, 13 प्रतिष्ठानों पर गिरी गाज, 80 की हुई जांच। मनपा के नियंत्रण में चल रहा टीकाकरण अभियान, 4,00,000 से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर का बचा है दूसरा डोज। मुंबई के विरार स्थित विजय वल्लभ अस्पताल में लगी आग में 14 लोगों की हुई मौत, मृतकों में 5 महिलाओं का समावेश। कोरोना पीड़ित 10 राज्यों संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की चर्चा, कहा काला बाजारियों के मिले सख्त सजा, इनके खिलाफ की जाए तेजी से कार्रवाई। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही, ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।